की बोलती हूँ, जब भी आती हो मेरा दिल खुश हो जाता है। जीती रहो, खुश रहो। दादी आज घर में खामोशी बहुत है, कोई है नहीं? अरे बेटा बस ऐसा ही है, बूढ़ी औरत का ना तो अरसम को ख्याल है और ना ही बच्चों को, बस सारा दिन अकेली पड़ी रहती हूँ। दादी बच्चे तो परी के पास होंगे ना, वो उन्हें होमवर्क करवा रही होगी। हाँ मैं असल में तुमको इसलिए भी बुलाना चाह रही थी और बात करना चाह रही थी कि तुम जरा परी के ऊपर नजर रखो, वो बच्चों को ठीक से पढ़ा तो रही है। सलाम अलैकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम कहाँ थे? मैंने आज लंच के वक्त फ़ोन किया तुम्हारे ऑफिस, तो तुम थे ही नहीं वहाँ पर। दादी मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं, काम से निकला था बाहर। आपने मेडिसिन ले ली अपनी क्या? हाँ ले ली है, लेकिन अगर ये ना होती तो ना मुझे खाने को मिलता और ना दवाइयाँ, अकेली पड़ी होती। थैंक यू। नहीं नहीं शुक्रिया किस बात का, मेरी ना असल में दादी नानी दोनों नहीं है तो ये मुझे अपनी सी लगने लगी है। ठीक। कहाँ जा रहे हो, खाना लगवाऊं? नहीं मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ और खाना नहीं खाऊंगा। मुझे यकीन है कि आज पूरा दिन दफ्तर में मसरूफ रहा होगा और उसने कोई खाना वाना नहीं खाया होगा। तुम जरा जाके इसको समझा दो बेटा। मैं समझा दूँ? हाँ, तो इसमें हरज ही क्या है बेटा? जी अच्छा।